Hello everyone, myself Meena Sharma, your art and craft teacher from Holy Child School Rewari. आज की क्लास में हम देखने वाले हैं wax abstract painting. हम एक न्यू पेंटिंग सीखने वाले हैं जिसमें wax का यूज करेंगे. wax means candle से हम ड्रॉइंग कर सकते हैं और या फिर हम उसकी जगह white crayon, white oil pastel यूज कर सकते हैं. तो हम उसके थ्रू आज हम कौन सी पेंटिंग देखने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज की इस ड्राइंग में हम सबसे पहले वाइट ऑयल पेस्टर से ड्राइंग करेंगे. मैं यहाँ पे आपको ब्लैक से करके दिखा रही हूँ और बट आपको यहाँ पे वाइट से करनी है. मैं जिस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ उसके लिए किस तरह से पैटर्न डाल रही हूँ और क्या किस तरह से ड्राइंग कर रही हूँ वो आपको शो कर रही हूँ ब्लैक से. बट हमें ये करनी है वाइट क्रेयॉन से. सबसे पहले मैं एक फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ. बट हम यहाँ पे ऑयल पेस्टर में वाइट यूज़ करेंगे. जितनी जगह मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ उतनी जगह मैं आप लोग वाइट यूज़ करेंगे. मैं यहाँ पे वाइट इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको वो पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा फ्लावर या क्या चीज़ वहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. इसी तरह से मैं इमेज करूँगी वाइट क्रेयॉन से. इस तरह से और जितनी जगह मुझे शेडिंग चाहिए या कुछ इम्प्रेशन चाहिए वहाँ पे मैं अपना ब्लैक से इम्प्रेशंस दे रही हूँ. दिस यही सेम चीज़ हमें वाइट क्रेयॉन से ड्रॉ करनी है. इसमें जो भी पैटर्न्स हमें ड्रॉ करने हैं वो सारे आप वाइट क्रेयॉन से या फिर कैंडल से भी कर सकते हैं. आप कैंडल को यूज़ करके इसे बना सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक फ्लावर चेन ड्रॉ की है जिसमें कुछ लीव्स फ्लावर बर्ड्स ड्रॉ किए हैं. इसमें जितने इम्प्रेशंस हमें चाहिए ये सारे मैं इस तरह से ब्लैक से ड्रॉ कर रही हूँ. अब यही सेम चीज़ मुझे वाइट से ड्रॉ करनी है और आप लोग भी वाइट से ड्रॉ करेंगे. जिस तरह से मैंने ये ब्लैक क्रॉन यूज़ किया है इसी तरह से आप लोग वाइट से ड्रॉ करेंगे और वाइट के थ्रू ही हमारी पेंटिंग कंप्लीट होगी. वाइट की जगह हम वाइट ऑयल पेस्टर जिसके पास ना हो वो कैंडल यूज़ कर लीजिएगा. अब ये मैंने आपको दिखाने के लिए ड्रॉ की थी और अब मैं इसको दूसरे पेज पे वाइट क्रेयॉन से ड्रॉ कर रही हूँ. आप देख नहीं पाएंगे, आप पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे आप हमारी लीफ ड्रॉ कर रही हूँ मैं. इसलिए मैंने आपको वो पैटर्न पहले ही ब्लैक क्रेयॉन से ड्रॉ करके दिखा दिया है. जिस तरह मैंने ये ब्लैक में आपको ड्रॉ करके दिखाया है सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे वाइट क्रेयॉन से ड्रॉ कर लिया है. अब मैं इसमें आपको कलरिंग करके दिखाऊंगी. कलरिंग के लिए मैंने पोस्टर कलर्स लिए हैं. मेरे पास ही केक कलर्स हैं, मैं इनका यूज़ कर रही हूँ. चलिए देखते हैं. मैं यहाँ पे पिंक पर्पल कलर के फ्लावर्स बना रही हूँ. हल्का सा वाटर यहाँ पे मैंने पहले वाटर लगाया है हल्का सा और अब हम पिंक कलर के फ्लावर्स बना रहे हैं. इसमें जहाँ पे मैंने वाइट क्रेयॉन किया है वहाँ पे कलर नहीं आ रहा है, मीन्स वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ से कलर हट रहा है. इसलिए जहाँ पे प्लेन फाइल है वहाँ पे कलर आएगा और जहाँ पे वाइट क्रेयॉन है वहाँ पे कलर नहीं आ रहा है. आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटलाइन जहाँ पे भी है बिल्कुल वहाँ पे कलर नहीं आ रहा है ऑलरेडी. इसमें आउटलाइन की जगह से हट रहा है कलर.
जो लाइंस हमने अंदर से दी थी, जो टेक्सचर दिया था, वहाँ पे हमारे पास क्रेयॉन कलर नहीं चढ़ रहा है उस पर। ये लाइंस जो आ रही हैं आप देख रहे हो, कलर को क्रेयॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसी इसमें मैं थोड़ा सा पर्पल यूज़ कर रही हूँ। इसको हम कार्ड मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड देने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। पहले हमारे पास होता था कि अगर हमें कोई कार्ड बनाना पड़ता था तो हम सिर्फ फोल्ड करते थे, कुछ राइट करते थे और उसको दे देते थे अपने फ्रेंड्स को या किसी को। बट अब हम इस तरह के, हमारे पास इतने सारे तरह के टेक्निक्स हैं, इतने सारे वर्क हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कार्ड में बैकग्राउंड के लिए भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लीफ में कलर कर रही हूँ। इसमें मैंने पिंक और पर्पल का यूज़ किया है। यहाँ पे ये फ्लावर की बर्ड है जो, उसको भी मैं इसी कलर से कर रही हूँ। इसमें सिर्फ टेक्निक यही है कि जहाँ पे हमारा वाइट क्रेयॉन होगा वहाँ पे कलर नहीं आएगा। ये हमारा फ्लावर भी हो गया है। अब हम लीफ बनाएंगे। अब हम लीफ बनाते हैं। लीफ में भी मैं टू कलर यूज कर रही हूँ, डार्क और लाइट ग्रीन। ये हमारे लीफ के टेक्सचर्स आ गए हैं। यहाँ पे भी मैंने एक बिग लीफ बनाई है। इसको मैं पहले वाटर लगा रही हूँ और पहले लाइट ग्रीन, वन साइड से लाइट ग्रीन डाल रही हूँ और दूसरी तरफ से डार्क ग्रीन। तरीके से यहाँ पे मैं टू प्लस यूज कर रही हूँ। अब इसको हाईलाइट करने के लिए हम साइड से जो इसका बैकग्राउंड है उसको भी कलर करेंगे ताकि ये और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। अभी पहले मैं यहाँ की टू लीव्स और कर रही हूँ, उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर करेंगे।
this way. इस तरीके से हम ये टेक्निक यूज़ करके कोई भी कार्ड बना सकते हैं, कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं. अब मैं यहाँ पे बैक साइड में हल्का वाटर लगा के फ्लावर की कलर साइड से थोड़ा सा लाइट शेड दूंगी और आउटर साइड पर थोड़ा डार्क शेड दूंगी. यहाँ से मैं लाइट शेड में येलो ले रही हूँ और डार्क शेड में हम रेड ऑरेंज ले सकते हैं. यहाँ पे मैं रेड ले रही हूँ. नो इट्स ऑरेंज. ओके आई विल टेक इट ऑरेंज. यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे. यहाँ से मैं पूरा येलो से देते हुए बैक में ऑरेंज टच दे रही हूँ. जिससे कि हमारा ये फ्लावर और हाईलाइट हो जाएगा. सेम पहले मैं वाटर लगा रही हूँ यहाँ पे और येलो कलर से कलर कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि येलो के साथ पर्पल कलर कितना हाईलाइट हो रहा है, कितना उठ के आ रहा है. इस तरीके से हम कलर्स भी चूज़ करने हमें उसी के अकॉर्डिंग चाहिए. अपोजिट कलर्स हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हाईलाइट होंगे. ये हमारा साइड से मैंने टच दे दिया इसको. जहाँ पे आपको सेंटर में लगे हल्का सा वहाँ पे आप येलो टच दीजिए ताकि वो और उठ के आ जाए. इस तरीके से आप कभी भी बना के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और मुझे भी बताइए कि आपको ये कैसा लगा. थैंक यू.